बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 2018 के विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ग्वालियर में विजयवर्गीय ने कहा कि 2018 में हमें हार नहीं मिली थी, हमें वोट ज्यादा मिले थे, लेकिन शिवराज जी ने जल्दबाजी कर इस्तीफा दे दिया। सरकार तो हमारी ही थी। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मनोरंजन के लिए ठीक है, यात्रा में मनोरंजन करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह देश के कैसे हैं आने वाले दो विधानसभा चुनावों में जनता बता देगी। वहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों को लेकर भी कहा। आइए सुनते हैं कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा है। ऐसा है कि इस प्रकार का प्रश्न आपको याद हो तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने मुझसे कहा था, और मैंने कहा था कि सरकार हमारी बनेगी और हमारी सरकार बन जाती, बनी गई थी। वोट ज़्यादा हमको मिले और शिवराज जी ने जल्दबाजी कर दी। शिवराज जी ने जल्दबाजी करी तो सरकार तो हमारी बनती। अच्छा है, मनोरंजन के लिए राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, रस्ते पर अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं, और देश के लिए कैसे ही है, देश की जनता दो चुनाव में उनको बता चुकी है, आने वाले दो विधानसभा चुनाव में भी बता देंगे। धीरे धीरे कांग्रेस और सिकुड़ती जा रही है। हमें दुख है, कांग्रेस तरह की पार्टी जो ये दावा करती है कि इस देश को स्वतंत्रता हमने दिलाई है, वो पार्टी अपना अस्तित्व खो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब उन्होंने किस संदर्भ में कहा मुझे नहीं पता, पर अच्छे नेता हैं सिंधिया जी, इससे इनका